इस लुक को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं मिस रोज की आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी अपनी ब्रॉज पे. पहले मैं इनको अच्छे से कॉम कर लूँगी, देन मैं इसको शेप दूँगी. स्टार्टिंग से थोड़ा सा फिल करूँगी और थोड़ा सा आर्च के पास से फिल करूँगी. और इसको अच्छे से स्पूली की मदद से कॉम कर लूँगी ताकि मेरी ब्रॉज जो है वो अच्छे से सेट हो जाए. अब मैं मिस्ट्रोज का कंसीलर लूँगी और अपनी आईज को प्रेप करूँगी अच्छे से नीट करूँगी. ताकि मेरी आईज जो हैं वो बिल्कुल नीट और सेटल लगें. अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्लेंडिंग ब्रश से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं ग्लैमर फेस का सॉफ्ट पिंक कलर लूँगी और उसको एज अ ट्रांसलेशन शेड अपने आईलिड पर लगाऊँगी. ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी आईज पे कोई भी टेप जो है वो आप लगा सकते हैं. मैंने ये वाली टेप जो है वो यूज़ की है. अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से डार्क ब्लू कलर जो है दिस वन उसको अपनी आउटर कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करूँगी लाइक दिस. अब मैं इस आइस पे भी ऐसे ही लगा लूँगी. देन मैं मिस रोज के इस पैलेट के पीच कलर को अपने सेंटर लिड से इनर लिड तक लगाऊंगी. अब मैं कंसीलर की मदद से सेंटर से अपनी लिड को कट करूँगी. अब मैं इसके ऊपर सेटिंग पाउडर लगा दूंगी कोई भी और उसके ऊपर आई शेड लगाएंगे. इसके ऊपर मैं डार्क ब्लू शेड जो है वो लगाऊंगी फिंगर की मदद से. ताकि मेरा कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस हो जाए. अगर कंसीलर लगाने से के बगैर हम लगाते तो कलर जो है वो इतना इन्हेंस नहीं होना था. कंसीलर लगाने से कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होकर सामने आता है. देन मैं मिस रोज के इसी वाले पैलेट का ये वाला शेड अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी. थोड़ा सा ग्लिटरी और स्मजी सा कलर है ये, बहुत फैबुलस कलर है ये. दोनों कलर्स लग गए. अब मैं इन तीनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना आए और अच्छे से मर्ज हो जाए. बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि कोई भी कलर जो है वो अलहदा अलहदा लगाया हुआ है, एक साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए. ठीक, अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया तीनों कलर्स को ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए. अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ही एंगल ब्रश लूँगी और उसकी मदद से अपनी ब्रा बोन को हाईलाइट करूँगी. ब्रा बोन को हाईलाइट करने के लिए आप हाईलाइटर शेड भी ले सकते हैं और सिल्वरी शेड भी ले सकते हैं.
दोनों ब्रो बॉन्स को मैंने हाईलाइट कर लिया। देन मैं लाइनर यूज़ करूँगी अपनी आईज़ पे और सेलो टेप को रिमूव कर दूँगी। सेलो टेप लगाने का मकसद ये था कि हमारी आईज़ जो है वो बिल्कुल शेप में बने, आई शेड बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले शेप से। उसके बाद मैं ब्यूटीफाय बाय आमना का वाइप्स लूँगी और जितना भी फॉल आउट हुआ मेरे अंडर आई एरिया पर आई शेडो और ग्लिटर्स का, उसको इससे रिमूव कर दूँगी। देन मैं अपने फेस को प्रेप करूँगी। मॉइस्चराइज मैंने पहले से कर लिया था अपने फेस को, अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी अपने पोर्स एरिया पर, जहाँ जहाँ मुझे पोर्स का इशू है। उसके बाद मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ करूँगी ट्यूब वाली और ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करूँगी अंडर आई एरिया पर और डार्क एरियाज पर। और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं डर्माकोल का इनविजिबल सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी। ताकि मेरी जो बेस है बिल्कुल स्मूथ रहे और किसी भी किस्म का कोई क्रैक जो है वो नहीं पड़े इसमें। सेटिंग के लिए आप सेटिंग पाउडर बेस के बाद ज़रूर यूज़ किया करें, उससे स्वेटिंग बहुत हद तक कम आती है। अब मैं फ्लोर मार्क का ब्लू आईलाइनर जो है वो अंडर आई एरिया पर यूज़ करूँगी। इससे एक बहुत सॉफ्ट और सटल सी लुक आती है। उसके बाद मैंने वाटर लाइन पर वाइट पेंसिल यूज़ की देन मैंने जितना भी सेटिंग पाउडर था उसको डस्ट आउट कर दिया बिग ब्रश की मदद से। उसके बाद मैं मिस रोज़ के कंटोर पैलेट के साथ अपने फेस को कंटोर करूँगी डार्क ब्राउन शेड के साथ। जॉ लाइन से भी करूँगी मैं और फोरहेड से करूँगी थोड़ा सा और स्मॉल ब्रश की मदद से मैं अपने नोज़ को कंटूर करूँगी। कंटूरिंग करने के बाद मैं मिस रोज़ का ही ब्लश ऑन पैलेट यूज़ करूँगी। अब मैंने ब्लश ऑन जो है वो लगाना स्टार्ट किया और ब्लश ऑन को भी मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि कंटूरिंग के साथ मर्ज हो जाए। देन मैं हाइलाइटर लूँगी मिस रोज़ का, उसका बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड जो है हाइलाइटर पैलेट का, उससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपनी फेस को इन्हेंस करने के लिए हाइलाइट करूँगी।
देन मैं हुदा ब्यूटी की पीच कलर के लिप लाइनर यूज़ करूँगी, और पीच कलर की ही मेरे पास लिपस्टिक थी। ये एक लोकल कंपनी है, 400 तक ये मिल जाती है और बहुत ही हसीन कलर है ये। इसको मैं अप्लाई करूँगी लिप लाइनर के बाद, लिप लाइनर पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। देन मैं मिस रोज़ का मिनी लिप टॉपर यूज़ करूँगी अपने लिप्स पे। और इसके बाद मैं फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करूँगी एंड हेयर इज़ माय फाइनल लुक। You guys like this video and please like all my videos, subscribe my channel, share my videos as much as possible, or take care and Allah Hafiz.